वेरी एक्साइटेड. तो चलिए अंदर चलते हैं और हम दिन आज शिव जी में मैं बहुत खुश करता हूं. जय बोलेगी. तो आई होप भाई आपको पसंद आया होगा. अरे भाई बहुत बढ़िया है. थैंक यू सो मच. तो दर्द होता होगा तो वो कहते हैं नहीं, मेरा एक उसूल है. अगर भाई प्लीज रुक जाइए भाई. और इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए भाई जीवन भर तुम्हारा. ये मेरा ये What's up everybody, क्या हाल चाल. सो आज का जो ब्लॉग है बहुत खास होने वाला है, बिकॉज मैं आज मिलने वाला हूँ मेरी मोटिवेशन मेरी इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई अमित भड़ाना भाई से. और साथ ही साथ उनके लिए ना एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज मैं लेकर जा रहा हूँ. वो सरप्राइज क्या आ गया आप वीडियो में देख ही लेंगे. नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर आप अमित भाई को प्यार करते हो ना ब्रो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है गाइज. सो प्लीज मेक टू वॉच पूरा ब्लॉग. ओके सो अभी फिलहाल जो है आई एम जस्ट ऑन द वे टू माई होम टाउन, बिकॉज मुझे जो है आज जो अमानत हमारे अमित भाई के लिए मुझे लेकर जानी है वो मेरे होम टाउन में है. और वहाँ से फिर सीधा निकलूँगा डायरेक्ट मैं नोएडा के लिए. और अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7:05 हो चुके हैं. सुबह सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिन दिखता है. so, बाकी क्या है होने वाला आज के पूरे दिन में तो मेक श्योर पूरा वो ब्लॉग जब आप देखोगे ना तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा. मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो. चलो भाई शुरू करते हैं. ओके गाइस, सो फिलहाल जो है मैं पहुंच चुका हूँ. मेरे भाई हैं बहुत खास हर्ष भाई, उनके पास. तो मैं वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से कि वो पप्पी को लेकर आए, बिकॉज मैंने जब उस पप्पी को पहली बार देखा था ना, और मैंने जब अमित भाई को भी उनकी टीम से मैंने शेयर किया था कि ये पप्पी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पप्पी की उस पप्पी को देखने के लिए. एंड फाइनली अभी हरे भाई जो उसको लेकर आए. आ जाओ. कैसे हो भाई जी, कैसे हो. लो भाई, सबसे पहले आते भाई ने मुझे ओ, ओ अमित भाई की अमानत पकड़ा दी. ये मेरी अमानत नहीं है, ये अमित भाई की अमानत है. तो हमारे जो भाई हैं वो बहुत सालों से डॉग रख रहे हैं, मतलब तकरीबन 7-8 साल तो मुझे देखते हो गए यार. सो स्पेसिफिकली अगर मैं इस डॉग की बात करूँ ना गाइज, इस पप्पी की, तो ये बहुत स्पेशल भी है, बिकॉज अगर आप इसका कलर ग्रेड देखोगे ना, इसका कलर पूरा का पूरा जो है वो ब्राउनिश है. तो वैसे शिट्ज़ूस जो होते हैं मोस्टली ट्राई कलर में होते हैं, बट ये डिफरेंट है. तो इसकी क्या स्टोरी है भाई, ये कैसे पैदा हुआ, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में. पुलकित भाई, ये मेरे पास फीमेल है मोटो, उसका नाम. अच्छा. और उसके 2 बेबीज हुए थे. ओके. और एक तो प्लेस्ड हो चुका है ऑलरेडी, एक पुलकित भाई के लिए मैंने रखा हुआ था. पुलकित भाई ने मेरे को बोला हुआ था कि भाई मेरे को बच्चा देना, अमित भाई को देना बच्चा, और बहुत यूनिक सा बच्चा देना है. तो मैंने भाई के लिए रिटेन किए हुए थे काफी दिनों से. क्या बात है. सो यार ये फाइनली ना, मतलब बहुत भाई भाई की ना, मैंने ये हमारी जब डिस्कशन चल रही थी कि भाई किसी अच्छे घर में इसको अडॉप्ट करवाना है, तो हमारी प्रायोरिटी, क्योंकि भाई का जब भी मैंने देखा ना कि जब भी भाई के पास पपीज हुए हैं तो भाई ने हमेशा कोशिश की है कि अच्छी जगह पे पपी प्लेस कर उसके. सो मुझे नहीं लगता अभी इस पपी के लिए अमित भाई से बेटर कोई जगह या कोई ऐसा ओनर रहेगा. तो बहुत एक्साइटेड है एंड आई होप जल्दी से जल्दी ये पहुँचे वहाँ पे. और अभी ना बाहर बहुत बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हुआ है, अभी आपको रास्ते में जाते हुए दिखाऊंगा. ओके गाइस, तो अभी फिलहाल जो है हम निकलने लगे हैं इस प्यारे से बेबी को लेके. और बाहर आप बारिश देख सकते हो, बहुत अमेजिंग वेदर है. बस मैं इसको होप कर रहा हूँ कि जब तक नोएडा पहुँचूँ बारिश रुक जाए. तो चलो अभी बैठते हैं. थैंक यू सो मच हर भाई, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी. डन. चलो फिलहाल जब है नोएडा पहुंचने से पहले मैं आया हूँ हमारे डॉक्टर साहब के पास, बिकॉज मुझे था कि मैं इस पप्पी का एक बार एक रेगुलर चेकअप करा दूँ. और साथ ही साथ ना हमारी जो कैनोफीलिया की किट है, जो पेट एसेंशियल किट है, उसको भी मैं यहाँ से उठाने आया था. तो आज आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर साहब से. कैसे डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग. डॉक्टर साहब को सुबह सुबह मैंने अच्छा खासा तंग की है, और इसको दिखाना बहुत जरूरी था बिकॉज इसका टेम्परेचर चेक करना बहुत जरूरी था, इसका रेगुलर चेकअप करना जरूरी कैनोफिलिया की पेट एसेंशियल किट है. बेसिकली इसके अंदर कैनोफिलिया के सारे प्रोडक्ट्स हैं और ड्रेसेस भी हैं, जो कि इस पपी के लिए एटलीस्ट 1-2 महीने तक बिल्कुल भी काम रहेंगे, है ना. ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे आराम से चल जाएगा, इसकी सर्दियां निकल जाएंगी. वाह. आपको जो है गाइस इस किट के बारे में अगर कुछ भी जानना है, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं. अभी फिलहाल इसको लेकर निकलते हैं. बाकी आपको कैसा लगा पप्पी डॉग साहब? बहुत बढ़िया है, ऐसे पप्पीज आप भी ले सकते हैं. भाई हमारे 100 के पूरे होने वाले 200 सब्सक्राइबर रह रहे हैं. अरे वाह, क्या बात है. तो उसके अंदर क्या होने वाला है? तो
भाई ऐसे हम बहुत सारे पपीज देने वाले हैं आपको, तो जल्द से जल्द मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, डॉक्टर सदाना पेट केयर टिप्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी निकलते हैं। तो गाइस साथ ही साथ जो है हमने जो है कैनोफिलिया का एक बेड भी इसके लिए ले लिया है, ताकि जो अभी कुछ टाइम के लिए जो है अमित भाई को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि अगर पपी मैं किसी को अडॉप्ट करवा रहा हूँ तो आई विल मेक श्योर कि उसकी सारी नेसेसिटीज जो है कुछ टाइम के लिए उसके पास हो। तो चलो भाई सामने गाड़ी खड़ी है, जल्दी से आके गाड़ी में बैठते हैं। फिलहाल पहुंच चुका हूं, सिर्फ एक दो मिनट दूर खड़ा हूं और मैंने ना पुराने कपड़े पहने हैं, तो मैं सोचता हूं क्यों ना चेंज कर लिया जाए। लो जी गाइस, तो फिलहाल बस पहुंचने वाले हैं और हम पता है इतना ट्रैफिक था ना और इतनी बारिश की वजह से ना आई रियली गॉट लेट। ओके गाइस, तो फिलहाल हम भाई के घर के बाहर पहुंच चुके हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम भाई से मिलते हैं, लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन रहेगा रोटी को लेके। आई होप भाई आपको पसंद आया होगा। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये मतलब कौन सी ब्रीड है? ये शिज़ू है। अच्छा, तो मतलब मैं चाह रहा था कि आपके पास अगर कोई घर पर डॉग हो तो छोटी ब्रीड का हो, ताकि उनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है छोटी ब्रीड की ना, और साथ साथ फैमिली के साथ अगर अच्छा। आपको रखना है ट्रैवल कर सकते हो उनको इजीली लेके। इसको तो मेरे भतीजे भतीजी भांजे भांजी खिलाएंगे। अरे उनके लिए बेस्ट है क्योंकि टॉय ब्रीड है, तो कोई डर नहीं है कभी काट ले या कोई कुछ ऐसा। इनके इतने ना दांत होते हैं, इतने नाखून बड़े होते हैं कि बच्चों को कोई मेजर हार्म पहुंचा सके। एक ना छोटी सी किट भी है हमारे कैनोफिलिया की, इसके अंदर ना इसका सारा डाइट से लेके अगले कुछ महीनों का ए टू जेड इसका स्टॉक है, इसका बेड है। मैंने सोचा कि आप जाओगे सारा सारा कुछ साथ ही। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई, क्या बोलूं मैं यार, पुलकित बहुत ही प्यारा। मैं अरे थैंक यू सो मच, क्योंकि ना मेरा भी है, मेरा जो जितना भी आज तक मैंने YouTube चैनल जो भी मेरा ग्रो करा ना, सारा मेरे एनिमल्स की वजह से। तो मेरे को ऐसा, क्योंकि पशुपतिनाथ शिव जी में मैं बहुत विश्वास करता हूँ, जय बोलेगी, तो उनकी वजह से ना जब मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पे भी मेरे को एनिमल लव स्प्रेड करने का मौका मिलता है, मैं नहीं छोड़ता वो, कहीं भी कोई भी मौका हो मैं जानवर को साथ लेके ट्रैवल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग मिल पाए, बच्चे मिल पाए। अभी हम स्कूल्स में अपने मेरे पास स्नेक है, इगुआनास है, मैं सबको ले जा रहा हूँ, अलग अलग जानवरों से मिलवा रहा हूँ। लोग सांपों को मारते हैं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। कमाल है कि आप सांप को अगर आपको नहीं मारना है तो आप नंबर है, एक नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अच्छा। हम आपके जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी आपका सांप होगा वहाँ पे नियर बाय जो भी रेस्क्यू लोग आएगा सांप को रेस्क्यू करके लेके। आप सभी भी शिज़ू देखोगे ना, शिज़ू तीन कलर में आता है, नॉर्मल शिज़ू, ये ब्राउन है, इसकी आईज ब्राउन है, ठीक है, इसकी जीभ तक ब्राउन है, इसकी नाक ब्राउन है, इसका नाम चाहे ब्राउन ही रख दो। ओके गाइस, तो फिलहाल हम जा रहे हैं हमारे अमित भाई के साथ SRCC करके एक आई गेस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, वहाँ पर उनका इवेंट है। सो आई गेस मैं बहुत मतलब मैं अभी अंदर भी बता रहा था भाई को कि मेरे को बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया कि उनके साथ जाने का और साथ साथ एक इवेंट देखने का, और वहाँ पे आई गेस कुछ टेट टॉक्स करके कुछ इवेंट है। सो लेट्स सी कौन सा इवेंट है, क्या है, तो ब्लॉग में आप बने रहेंगे तो आप आगे देखिए। गाइस एक चीज़ नोटिस करना, अमित भैया का जो रुतबा है ना, मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट अब किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं लगता, और जो रिस्पेक्ट सभी के लिए है ना, और जो उनके मन में रिस्पेक्ट और सबके मन में उनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, दैट इज़ वेरी इनसेन। अभी आप देखोगे सब पागल हो चुके हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, आपकी नियत जो साफ है वो आपको आगे बढ़ाती है। बाकी अब यहाँ बैठ के मैं
बेफजूल में ज्ञान देने लगो ऐसे करो वैसे करो तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपकी अगर नियत साफ है और आपको पता है कि मुझे ये करना है और आगे मुझे इसकी तरफ बढ़ना है तो आपको वो जो आप चाहते हैं वो आपको जल्दी मिलता है। भाई बहुत अमेजिंग इवेंट यार। सबसे पहले तो ना मतलब मेरी लाइफ का एक सपना था कि मैं कॉलेज में हूँ और भाई कभी एज अ गेस्ट आए और आज आपने मेरे को मौका दिया आपको एज अ यू नो एक स्पीकर देखने का। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। एंड टू बी ऑनेस्ट बस एक चीज़ के लिए मैंने आपसे टाइम मांगा था बिकॉज मैंने अभी आपकी जो वेब सीरीज आई ना SSC वो उनका पहला एपिसोड देखा। जो डेडिकेशन देखी है ना मैंने भैया हॉलीवुड में आप चले जाइए, आप इंडिया के लिए नहीं बने, आप हॉलीवुड जाओ, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं यार इंडिया के लिए ही करेंगे जब तक जिएंगे। इंडिया को हॉलीवुड ले जाना, कहीं भी ले जाएंगे जहाँ पूरा संसार अपना है यार। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। और इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए भाई, मैं जीवन भर तुम्हारा, ये मेरा, ये ना मेरा, मुझे ऐसा लगता है कभी मेरा ना कर्तव्य है मेरी जिंदगी में, मेरा एक वो है कि मुझे डिलीवरी करनी है, मैं सिर्फ डिलीवरी पार्टनर। क्या बात है, क्या ये आपको इसने खुद चूज किया है, मैं सिर्फ डिलीवरी पार्टनर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई आपको भी। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।